अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म में ये काजू V3 वेंगुरला 3 की लागवड किया हुआ है 13x13। अब इस प्लांटेशन को 2 महीना हुआ है। विदर्भ के अंदर काजू की लागवड हो सकती है, काजू लग सकता है, ये उसकी मिसाल है। और ये बीच में नाली बनाई जा रही है ताकि वाटर रिटेंशन बरसात में ना हो, पानी जमीन से ड्रेन आउट हो जावे, उसके लिए नाली बनाने का काम चल रहा है। और ये जो जवारी बाजरा लगाया हुआ है ये बेसिकली मल्चिंग पर्पस के लिए लगाया हुआ है, ये इसकी मल्चिंग की गई है। अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म में ये वेंगुरला 7, वहां पर वेंगुरला 4 और वेंगुरला 3, ऐसे 3 वैरायटीज के काजू कैशूनट विदर्भ के अंदर कैशूनट हो सकते हैं, इसका प्लांटेशन किया गया है। और आप देख सकते हैं कि अभी 1.5-2 महीना हुआ है, इसकी नई लीफिंग स्टार्ट हो गई है। सो इट हैज स्टार्टेड, क्लाइमेट को एक्लेमेटाइज करना, एक्सेप्ट करना, सॉइल को एक्सेप्ट करना इसने स्टार्ट कर दिया है। डॉक्टर एम एन वेणुगोपाल, फॉर्मर ICAR के स्पाइस डिवीजन के हेड, उनके गाइडेंस में अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म में स्पाइसेस प्लांटेशन की जा रही है, जिसमें काजू के 3 प्रकार है, काली मिरी, दालचीनी, जायफल, जावित्री, इमली और ब्लैक पेपर, काली मिरी संतरा मौसम्बी के बीच में, काली मिरी, तेज पत्ता, ये सारी चीजों का प्लांटेशन डॉक्टर वेणुगोपाल जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।